दोस्तों, गूगल मैप्स तो आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा लोकेशन फाइंड करने के लिए और नेविगेशन के लिए। बहुत ही यूज़फुल ऐप है ये गूगल का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें ऐसे कई फीचर्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और वो काफ़ी यूज़फुल भी है। तो चलिए आज ऐसे ही 10 गूगल मैप्स फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। मेरा नाम है अभिजीत मुखर्जी, ये है गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एडिंग मल्टीपल स्टॉप्स फीचर की। ये फीचर गूगल मैप्स के डेस्कटॉप वर्जन में पहले हुआ करता था, मोबाइल ऐप में कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुआ है। तो जैसे कि समझ लीजिए, आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो और बीच में आपको नोएडा रुकना है किसी काम से, तो आप अपने नेविगेशन में जो राइट में 3 डॉट मेन्यू है वहाँ पर टैप करके नोएडा एज अ स्टॉप ऐड कर सकते हैं। और ऐसे ही आप कई और स्टॉप्स भी ऐड कर सकते हैं और उनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है ऑफलाइन मैप्स। तो जब हम लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, तो यूजुअली वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है आपको ट्रैफिक, टोल्स, इन सब की जानकारी देने के लिए। लेकिन कई बार आपका 3G या 4G कनेक्ट नहीं भी कर सकता है, तो इसीलिए ऐसे केसेस में ये ज़रूरी है कि आप पहले से उस एरिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें। बहुत ही सिंपल है, आप खाली लेफ्ट टू राइट स्वाइप करिए मेन्यू के लिए, वहाँ पे ऑफलाइन मैप्स पे टैप करिए और एरिया सेलेक्ट करिए, फिर उसके अनुसार आप वो मैप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात का इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें टोल और ट्रैफिक की कंडीशन आपको ऑफलाइन मैप्स में नहीं दिखेगी। दोस्तों, गूगल मैप्स में माई प्लेसेस में आप अपने प्लेसेस सेव कर सकते हैं। जैसे आप जब वहाँ जाएंगे, वहाँ पे होम, वर्क, ये सब लेबल्स ऑलरेडी होंगे, आप उनमें टैप करके अपना घर या अपना काम करने की जगह वहाँ पे सेव कर सकते हैं। और आप मैप में वैसे भी जाके कहीं पे भी पिन ड्रॉप करके उस जगह को आप सेव कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब आप वहाँ पे जाए तो आपको ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, एक अच्छी बात माई प्लेसेस में ये है कि गूगल नाउ आपको ट्रैफिक रिकमेंडेशंस इन जगहों के बारे में दे देता है। तो जैसे कि जब अगली बार आपको वहाँ पे जाना हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको दिखा देगा कि ट्रैफिक रास्ते में कितना मिलेगा। दोस्तों, गूगल मैप्स एक परफेक्ट टूल नहीं है, कई बार वो गलत लोकेशन भी बता देता है, तो इसको सुधारने में आप मदद कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसे लोकेशन पे जाए जहाँ गूगल मैप्स ने गलती करी हो, तो उस लोकेशन में जाके आप स्क्रॉल डाउन करके सजेस्ट एडिट फीचर पे टैप करिए। यहाँ आप उसका असली लोकेशन गूगल मैप्स को सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप गूगल मैप्स का बहुत यूज़ करते हैं तो आप जगहों के रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और गूगल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लोकल गाइड्स प्रोग्राम, तो आप एक लोकल गाइड भी बन सकते हैं गूगल मैप्स के। और अगर आप पॉइंट्स लेते रहे तो 200 पॉइंट्स के बाद आपको गूगल ड्राइव का 1 TB तक का फ्री स्टोरेज भी मिल सकता है। तो गूगल मैप्स के लोकल गाइड्स प्रोग्राम के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, जो एक अगला फीचर है वो एक्चुअली एक थर्ड पार्टी ऐप है, उसका नाम है वेलोसी रैप्टर। और जैसे आपको पता होगा कि कई हाईवेज पे स्पीड लिमिट्स होती है और कई बारी हम बिना जाने उसको क्रॉस कर देते हैं और फिर पुलिस पकड़ लेती है, तो ये जो ऐप है वो आपकी यहाँ पे मदद कर सकता है। तो ये बेसिकली गूगल मैप्स के साथ इंटीग्रेट कर लेता है जब आप इसे सेटअप करते हैं, और आप बस गूगल मैप्स खोलिए और नेविगेट करिए, और किसी हाईवे पे अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी तो ये बीप कर देगा, इससे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, नेविगेशन के दौरान गूगल मैप्स पे अगर आपको पूरा रूट देखना हो तो यूजुअली आप क्या करते हैं, पिंच इन या पिंच आउट करते हैं। लेकिन उससे भी एक ज़्यादा अच्छा तरीका है, वो है डबल टैप। आप बस एक उंगली से डबल टैप करके उंगली को ऊपर नीचे ड्रैग करिए और आप पूरा रूट देख सकते हैं। अब गूगल मैप्स में यूजुअली हम नेविगेट कब करते हैं, जब हमको डेस्टिनेशन तक का रास्ता नहीं पता हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको रास्ता पता है लेकिन हम लोगों को ट्रैफिक के बारे में पता करना है, तो उसमें फिर पूरा सर्च करके दोबारा से उस जगह को नेविगेट करो। उससे अच्छा एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं स्टार्ट ड्राइविंग, ये गूगल मैप्स के मेन्यू में ही है, तो आप बस स्टार्ट ड्राइविंग टैप करिए और चल पड़िए। इसमें आपके सेव्ड प्लेसेस का ये आपको ETA यानी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल भी बता देगा और ट्रैफिक अपडेट्स तो दिखाई देगा। जब आप गूगल मैप्स पे नेविगेट कर रहे हैं और अगर आपको पूरा रूट देखना है तो आप क्या करेंगे, दो उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे छोटा बड़ा करेंगे, पिंच इन पिंच आउट। लेकिन इससे भी एक बेटर तरीका है, अगली बार आप बॉटम राइट में जो एक बटन है जिसको आपने शायद आज तक कभी ध्यान ना दिया हो, उसको टैप करिए, ये आपको तुरंत पूरा रूट दिखा देगा।
अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको पता करना है कि पेट्रोल पंप कितने नजदीक है या कोई रेस्टोरेंट कितने नजदीक है, तो गूगल मैप्स के नेविगेटिंग विंडो पे ही आप सर्च कर सकते हैं सीधा। वो आपको ऑप्शंस दिखा देगा, बस आपको सर्च बटन पे टैप करना है और इसमें से गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको दूरी और वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये भी बता देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि गूगल मैप्स की ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे और गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे टैप करना मत भूलिएगा, तो हमारे हर नए वीडियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं हम लोगों ने बहुत एफर्ट करके ये क्वालिटी वीडियो आपके लिए बनाया है। जीटी हिंदी में आपको हमेशा बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियोज़ मिलेंगे, तो आशा करता हूँ कि आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। अगली बार तक के लिए दोस्तों अलविदा। जब आप नेक्स्ट टाइम उस जगह पे कभी जाना चाहते हैं तो गूगल नाउ आपको पहले ही वहाँ की ट्रैफिक रिकमेंडेशन दे देगा। ऐसे रहना खाली सड़क पे, एक परिंदा भी यहाँ पे पर नहीं मार रहा होगा और आज ही सबको आना है।